बिहार की राजनीति में भूचाल आया है। राजनीतिक गलियारों में खलबली मची हुई है। बिहार में कभी भी सरकार गिर सकती है। सभी दल अपने विधायकों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। वर्तमान हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कभी बिहार एनडीए टूट सकती है। इन सब के बीच आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिहार एनडीए टूट के कगार पर आ गई है। तो चलिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपको बता दें कि बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बीजेपी जदयू की गठबंधन से सरकार बनी थी। लेकिन अब 21 महीने बाद दोनों दलों के बीच तनातनी चल रही है। ऐसी खबर आ रही है कि बहुत जल्द जदयू और बीजेपी का गठबंधन टूट सकता है। ऐसे में नीतीश कुमार आरजेडी, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी और जदयू के बीच खींचातान की शुरुआत कुछ महीने पहले ही हुई थी। जाति आधारित जनगणना के मुद्दे पर नीतीश कुमार बीजेपी से अलग थलग नजर आ रहे थे। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर को लेकर भी उनकी नाराजगी कई बार सामने आई। लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या बताई जा रही है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। पहली बात तो यह है कि 2019 में फिर से सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने जदयू को सिर्फ एक ही सीट मंत्री पद के लिए पेशकश की। नीतीश कुमार ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई थी और फैसला किया कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने बिहार में विस्तारित मंत्रिमंडल में अपनी पार्टी के 8 सहयोगियों को शामिल कर पलटवार किया था और एक को बीजेपी के लिए खाली छोड़ दिया था। दूसरी सबसे बड़ी बात, बिहार के विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा और नीतीश कुमार के बीच रिश्ते ठीक नहीं है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि विजय कुमार सिन्हा को विधानसभा अध्यक्ष पद से हटाया जाए। नीतीश कई बार उनको लेकर सदन में नाराजगी भी जता चुके हैं। सिन्हा ने अपनी सरकार को लेकर सवाल उठाए थे, जिसे नीतीश कुमार ने संविधान का उल्लंघन बताया था। नीतीश चाहते हैं कि बीजेपी उन्हें हटाकर किसी और नेता को विधानसभा अध्यक्ष बनाए। तीसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, मतलब राज्यों के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए, जिसका विपक्ष ने कड़ा विरोध किया था। जदयू ने भी इस मुद्दे पर विपक्ष का समर्थन किया था। नीतीश कुमार इसके खिलाफ है, इस बात को लेकर भी बीजेपी के साथ तनातनी हुई थी। चौथी बात यह है कि नीतीश कुमार इसलिए भी नाराज है क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में बीजेपी के सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व मात्र सांकेतिक रूप से मिल रहा है। आरसीपी सिंह के हाल ही में जदयू छोड़कर जाने के पीछे बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है। आरसीपी सिंह ने केंद्रीय मंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार को दरकिनार करते हुए बीजेपी नेतृत्व से सीधे तौर पर बात की थी। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार कैबिनेट के विस्तार में नीतीश कुमार अपनी पसंद चाहते थे। नीतीश कुमार चाहते थे कि कोई फैसला उनके बिना उनके निर्णय के ना हो। भाजपा कोटे से भी मंत्री कौन बनेगा, इस पर भी वो अपनी राय चाहते थे। हालांकि आगे क्या होगा, इस पर हमारी नजरें बनी हुई है। आपके लिए रिपोर्ट लिखे हैं हमारे सहयोगी राजकमल ने। बिहार की राजनीतिक गलियारों से जुड़ी पल पल की खबर पाने के लिए बिहार इंसोर्स के साथ बन रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।